हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ विवेक कुमार, कुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम ये डिजिटल पैनल लेकर आए थे, ठीक है। ये हमारी डिजिटल पैनल पर फर्स्ट क्लास है। हम चलाकर सीख रहे थे, अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे इस पर, किस तरह से ये बोर्ड चलता है और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, किस तरह से इस पे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से पीपीटी बनेगी। हमने ये सारी चीज़ 3 4 दिन में सीखी, ठीक है। तो आज हम पहली क्लास आपकी शुरू करते हैं कैलेंडर पर, ठीक है। कैलेंडर पर आपकी पहली क्लास हम शुरू कर लेते हैं। कैलेंडर सबसे पहले हमें कैलेंडर के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। ये कैलेंडर किसने बनाया, इसमें कैलेंडर को बनाने में किसकी हेल्प हुई और कितने दिन इसमें इंक्लूडेड किए और कितने घंटे इसमें इंक्लूडेड किए, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैलेंडर को बनाया किसने, किसका किसका जिक्र आया कैलेंडर को किसने बनाया, ठीक है। तो कैलेंडर बनाने वाले का नाम नोट कीजिए, पोप ग्रेगरी। किसने बनाया, पोप ग्रेगरी ने ये कैलेंडर बनाया। और जब कैलेंडर बनाया तो इस कैलेंडर का नाम क्या रखा, जब कैलेंडर बनाया तो इस कैलेंडर का क्या नाम रखा गया, उसको नोट कीजिएगा। कैलेंडर का नाम रखा गया ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या रखा गया, ग्रेगरियन कैलेंडर रखा गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। कैलेंडर की अगर बात करें, अगर ये जीके में भी क्वेश्चन बन जाता है कि कैलेंडर को बनाने वाले का नाम या कैलेंडर का आविष्कारक कौन था, तो कौन था, पोप ग्रेगरी। और कैलेंडर जो बनाया था उसका नाम क्या रखा गया था, तो क्या था, ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या था, ग्रेगरियन कैलेंडर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। कैलेंडर हो गया, चलो अब बात करते हैं। जब कैलेंडर बन गया, उसकी शुरुआत हो चुकी, ठीक है। जो प्रथम दिन था ग्रेगरियन कैलेंडर का, जो प्रथम दिन था वो क्या था, आप सभी को पता भी है, क्या था, सोमवार। क्या रखा गया, सोमवार। जो इसका प्रथम दिन था क्या रखा गया, सोमवार, ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं, सोमवार तो रखा गया। अब दो तरह के हमारे कैलेंडर माने गए हैं जो कि पोप ग्रेगरी ने बताया। सबसे पहले बात कर लेते हैं 365 दिन, और सेकंड नंबर पे बात करते हैं 366 दिन। आप सभी को पता है एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। कितने होते हैं, 366 दिन। अब बात करते हैं 365 दिन और 366 दिन, यानी कि एक दिन का या वन डे, ठीक है, कितना वन डे का डिफरेंस आ रहा है, एक दिन का यानी 24 घंटे का। अब ये 24 घंटे का जो अंतर आ रहा है
उसकी हम बात करते हैं, 24 घंटे का जो अंतर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं।